मैं सोनी एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल हीलिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल में। आज लॉकडाउन है, बाहर जाना बंद है, काम पर जाना बंद है और यहाँ तक कि तो कुछ लोगों की इनकम भी बंद है और शुरू हो रहा है स्ट्रेस। पर जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला था, स्ट्रेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी इम्यूनिटी पे पड़ता है, इसलिए हमें इसे दूर रहना है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी खुद की हेल्थ। हेल्थ मीन्स फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ, और इसको हम सिक्योर कर सकते हैं स्ट्रेस को दूर करके और पॉजिटिव बने रह के। पॉजिटिव रहने का सबसे आसान तरीका है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करके। विजुअलाइजेशन इज अ वेरी पावरफुल टूल इन दिस वर्ल्ड। व्हाट वी विजुअलाइज इज व्हाट वी मेटलाइज, मतलब जो भी हम विजुअलाइज करते हैं हम उसी को अपने जीवन में मेटलाइज कर सकते हैं, पा सकते हैं। आज के इस मेरे वीडियो से एक छोटी सी कोशिश है आप सबको पॉजिटिव विजुअलाइजेशन एक्सपीरियंस कराने की। इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप सब अपने घर के एक ऐसे कोने में बैठ जाइए जहां आप कंफर्टेबल होकर रिलैक्स कर सके, अपने कानों में ईयरफोन या हेडफोन लगा सके और मेरा आगे का वीडियो ध्यान से सुन सके, जिससे आप इस पॉजिटिव विजुअलाइजेशन को एक्सपीरियंस कर सके। अपनी आंखें बंद करके शांति से बैठ जाएं, अपने पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए और एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ एक लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़ दीजिए। एक बार फिर एक लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़ दीजिए। अपने पूरे शरीर, अपने दिमाग और अपनी आत्मा को एकदम शांत कर दीजिए। अब अनुभव करें कि आप एक बहुत ही खूबसूरत बाग या बगीचे में हैं और इसमें आप सैर कर रहे हैं। ये बाग और बगीचा बहुत सुंदर बड़े बड़े हरे भरे वृक्षों पेड़ों से भरा हुआ है। आपके आसपास रंग बिरंगे फूल हैं, जिनमें रंग बिरंगी तितलियां हैं। ये तितलियां आपके चेहरे की मुस्कुराहट को और बढ़ा रही हैं। आप नंगे पांव हैं, घास में पड़ी हुई ओस की छोटी छोटी बूंदों की ठंडक आप अपने पाँव में फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। हवा की ठंडी ठंडे झोंके आप अपने शरीर पे महसूस कर पा रहे हैं। इस प्रकृति के अद्भुत नजारे को देखकर आप बहुत प्रसन्न और शांत हैं। जैसे ही आप थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, आपको वहां एक बहुत खूबसूरत बेंच दिखाई देता है, जिस पर आप जाकर बैठ जाएंगे और प्रकृति के इस नजारे का लुफ्त उठा रहे हैं। बेंच पे बैठकर प्रकृति के इस नजारे का लुफ्त उठा रहे हैं। अचानक आपको महसूस होता है किसी ने आपके दाहिने कंधे पर अपना हाथ रखा है। जैसे ही आप पीछे मुड़कर देखते हैं,
आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि पीछे आपके गुरु परम पिता परमेश्वर ईश्वर स्वयं खड़े हुए हैं। इन्हें दे और ये आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आप भी अपने आराध्य गुरु परम पिता परमेश्वर और ईश्वर को देखकर मुस्कुरा पड़ते हैं। आपके आराध्य गुरु परम पिता परमेश्वर ईश्वर आपके साथ आकर उसी बेंच पे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए एक ऊर्जा को क्रिएट करते हैं और ये ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाह कर देते हैं। आप सबसे पहले इस ऊर्जा को अपने पांव के तलवों पर महसूस करते हैं। आपके दोनों पांव के तलवों से होती हुई ये ऊर्जा पांव की एड़ी तक पहुंच जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई ये दोनों पांव तक होती हुई घुटनों तक आ जाती है। तलवों से एड़ी, एड़ी से पांव और पांव से घुटने तक ऊर्जा का संचारण शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे ये ऊर्जा और आगे बढ़ती हुई आपके दोनों थाइस को कवर करती हुई आपके हिप्स तक आ जाती है। आप अपने पांव में एक असीम शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। अब ये ऊर्जा थोड़ी और आगे बढ़ती हुई आपकी लोअर बैक, मिडल बैक और अपर बैक तक पहुंच जाती है। अब ये ऊर्जा थोड़ा नीचे जाकर आपके पेट में होती हुई सारे इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करती हुई आपके चेस्ट एरिया तक पहुंच गई है। अब इस ऊर्जा ने आपके दोनों शोल्डर कंधों को भी कवर कर लिया है। आपको अनुभव हो रहा है जैसे कोई अपने नरम नरम हाथों की उंगलियों से बहुत धीरे धीरे आपके कंधों को दबा रहा है। अब ये ऊर्जा आपके गले से होती हुई चिन, मुंह, गाल, कान और आंखों तक पहुंच गई है। अब ये ऊर्जा आपके माथे से लेकर आपके सर तक आ गई है। आप अपने सर से लेके पांव के तलवे तक एक असीम शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। इस अद्भुत अनुभव के लिए अपने आराध्य गुरु परमपिता परमेश्वर ईश्वर को धन्यवाद दे। कहे हे गुरु, हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ इस सुखद अनुभव के लिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ मुझे
कोरोना वायरस से बचाने के लिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ मेरी रक्षा करने के लिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ मुझे आज का इतना खूबसूरत सुंदर दिन दिखाने के लिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ मेरी रक्षा करने के लिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। कृपा कर मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। मैं आपको अपने दिल से लाख लाख धन्यवाद देती हूँ या देता हूँ। थोड़ी देर इसी अवस्था में बने रहे। और इसी अवस्था को अनुभव करते रहे। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को पास लाते हुए दोनों हथेलियों को रगड़े और उसको धीरे से अपने दोनों आंखों के ऊपर रखते हुए धीरे से अपनी दोनों